सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी के हर मोड़ से गुजरना चाहिए, क्योंकि क्या पता किस मोड़ पर मंजिल आपका इंतजार कर रही हो। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं। जिंदगी हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। आज का पंचांग 24 अगस्त 2020, दिन सोमवार, भाद्र पदमास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 2:31 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र दोपहर 3:20 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:44 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और ऐश्वर्य सिंह राशि पर रहेंगी। मिथुन राशि 24 अगस्त 2020, दिन सोमवार, आपका दिमाग किसी नुकसान के इर्द गिर्द घूम रहा है। अभी आप कुछ आध्यात्मिक उत्तरों की खोज कर रहे हैं। दूसरों से, खासकर अपने साथी से अपनी चिंताओं को शेयर करें। घर से बाहर निकलने के लिए समय निकालें और अपने विचारों के साथ कहीं शांति से रहें। अच्छा, आपके अंदर का कवि या रचनात्मक कलाकार अपनी प्रतिभा दिखाएगा। रोमांटिक डेट पर जाने की योजना बनाएं। अपने व्यक्तित्व के रचनात्मक पक्ष को खोजें और इसका प्रयोग संबंधों को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। असफल होना जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर आप असफल होते हैं तभी आपको शिक्षा मिलती है। आज अपने पर्सनल कार्यों पर अधिक ध्यान दें, अर्थात अपने बारे में ही सोचें और अपने लिए ही काम करें, क्योंकि अपनी प्रतिभा और योग्यताओं को निखारने के लिए यह समय बहुत ही उचित है। आज के दिन आपको अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर मन में कुछ कंफ्यूजन बना रह सकता है। आप में भरपूर योग्यता होते हुए भी आप अपना कौशल पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जिससे मन में असंतोष की भावना होती है। यदि आपके कुछ सपने हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए आज कोई कदम अवश्य उठाएं, चाहे वह कितना ही छोटा हो। इससे आपकी ऊर्जा को उचित दिशा मिलेगी। सावधानियां, युवा वर्ग मौज मस्ती में अधिक ध्यान ना दें, इसकी वजह से उनके करियर संबंधित कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। संतान के क्रियाकलापों को भी नजरअंदाज ना करें। इनकी दिनचर्या व संगति का ध्यान रखना अति आवश्यक है। लव लाइफ की बात करें तो अगर किसी से प्यार करते हैं तो उसे अपने प्यार का इजहार करने में देरी ना करें। आज भाग्य आपके पक्ष में है, इसलिए आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। घरेलू मामले आपको अशांत कर सकते हैं, लेकिन आपका पार्टनर आपका पूरा साथ देगा, जिससे कोई भी समस्या पल भर में छूमंतर हो जाएगी। लीजिए, आ गया है एक आवेशपूर्ण दिन केवल आपके लिए। अपनी नई चाहत का इजहार करने के लिए आज का दिन अच्छा है। बस इसका तरीका कुछ अलग और नया होना चाहिए। आज आप अपने खास दोस्त को किसी डेट पर ले जा सकते हैं। करियर की बात करें तो आज आप अपने बेसिक कार्य और तकनीकों पर नजर रखेंगे ताकि अपने करियर को आगे ले जाएं। अगर आगे शिक्षा पाना चाहते हैं तो उसमें अभी व्यवधान की संभावना है। जुआ, शेयर या सट्टेबाजी आपको आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन याद रखें धन कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आज आप कुछ रचनात्मक करना चाहते हैं। अपने साथी के साथ रोमांटिक डिनर भी आज आपके कार्ड्स में है। आपकी भावनाएं आपके आर्थिक
समस्याओं को कम कर सकती है क्योंकि आज आप बेहद उत्साहित हैं। काम से पहले गहनता से विचार करें। सेहत की बात करें तो आज आपके मानसिक और शारीरिक क्षमता उच्च स्तर पर बनी रहेगी। आज आप बाहर जाकर कुछ अलग करेंगी। हो सकता है आप कोई नया व्यवसाय या नया खेल खेलें। आप वही काम करें जिनमें आपको खुशी मिले। अगर आप कोई आरामदायक काम करना चाहते हैं तो योग करें या फिर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलें। यह सब करने से आपको अच्छा लगेगा। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।